अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 8 है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने माउस को एफपीजी बोर्ड के साथ इंटरफेस करना है। तो इसकी प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। डिज़ाइन ए डिजिटल सिस्टम फॉर PS2 माउस कंट्रोलर। Test your mouse controller by incrementing, decrementing and setting 8-bit count values on 7-segment display using left click, right click and scroll wheel button click respectively. तो इसमें बेसिकली हम एक डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि हमारा माउस FPGA बोर्ड के साथ कनेक्टेड हो, और अगर हम माउस पर लेफ्ट क्लिक का बटन प्रेस करें तो 7-segment डिस्प्ले पे वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाए। अगर राइट क्लिक का बटन प्रेस करें तो वो वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाए, और अगर दरमियान वाला जो रोल व्हील रोल का बटन है अगर हम उसको प्रेस करें तो उस 7-segment डिस्प्ले के ऊपर काउंटर वैल्यू एक कोई ख़ास वैल्यू को स्पेसिफिकली वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले में आ जाए। तो बेसिकली हम 7-segment डिस्प्ले के ऊपर जो काउंटर है, जो काउंटर वैल्यूज़ हैं, उनको लेफ़्ट राइट क्लिक और स्क्रॉल व्हील बटन के क्लिक के साथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माउस किस तरह कम्युनिकेशन करता है, उसका कम्युनिकेशन करने का प्रोटोकॉल क्या है। तो माउस जो है, जब आप कोई भी बटन माउस से को लेफ़्ट राइट मूव करते हैं या उस पर कोई बटन प्रेस करते हैं, तो जो माउस है वो 3 पैकेट्स ऑफ PS2 कम्युनिकेशन के सेंड करता है। हमने ट्यूटोरियल 7 के अंदर देखा था, जब कीबोर्ड से हम कोई बटन प्रेस करते थे तो एक बटन के प्रेस होने के नतीजे में ये 11 बिट का डाटा जनरेट होता है। आप इसको 1 पैकेट ऑफ PS2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कह सकते हैं कि जब आप कोई बटन प्रेस करते हैं एक क्लॉक सिग्नल जनरेट होता है 11 क्लॉक पल्सिस, और PS2 डाटा जनरेट होता है जिसमें 11 बिट्स होती हैं। तो ये 1 पैकेट है ऑफ PS2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब माउस में जब आप बटन प्रेस करते हैं या उसको लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो उसके नतीजे में इस तरह के 3 पैकेट्स आते हैं, या आप इसमें एक पैकेट के अंदर 11 बिट्स हैं, तो अगर माउस के अंदर आप कुछ भी उसको बटन प्रेस करेंगे या उसको मूव करेंगे तो इस तरह के 3 पैकेट्स या 33 बिट्स माउस जनरेट करेगा माउस की आउटपुट पे। तो ये जो फर्स्ट पैकेट है या फर्स्ट 11 बिट्स हैं वो माउस के स्टेटस को शो कर रही होंगी। अब उसमें अब PS2 कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल आपको पता है कि जो फर्स्ट बिट है वो स्टार्ट बिट है, लास्ट वाली पैरिटी बिट है और एंड पे स्टॉप बिट होगी, और दरमियान वाली जो बिट्स हैं वो एक्चुअली हमारा रिक्वायर्ड डाटा होगा। तो जो फर्स्ट पैकेट है उसमें जो बिट 0 है वो लेफ़्ट क्लिक को रिप्रेजेंट करती है और राइट क्लिक को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने लेफ़्ट क्लिक किया तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, अगर लेफ़्ट क्लिक नहीं किया तो ये बिट 0 रहेगी। अगर आपने राइट क्लिक का बटन प्रेस किया है तो यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, अगर नहीं किया तो 0 आएगा। अगर माउस के ऊपर जो रोल वाला है बटन उसको प्रेस किया है तो यहाँ पे 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ये जो बिट है ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगी। XS ये साइन बिट है इस डायरेक्शन के लिए, X डायरेक्शन के लिए। YS साइन बिट है Y डायरेक्शन के लिए। अब माउस को आपको पता है कि आप पॉजिटिव X एक्सिस, नेगेटिव X एक्सिस, या पॉजिटिव Y एक्सिस या नेगेटिव Y एक्सिस की तरफ, या इन बिटवीन कहीं पर मूव कर सकते हैं। तो आपने माउस को कितना X एक्सिस, पॉजिटिव X एक्सिस डायरेक्शन में मूव किया वो 8 बिट के फॉर्म में आता है, वो रिप्रेजेंटेशन X0 से लेकर X7 तक आती है। जो Y जो माउस है कितनी यूनिट्स Y एक्सिस के अंदर मूव किया उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर Y डायरेक्शन बाइट के अंदर आती है। और ये डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका साइन XS में आएगा, ये डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका साइन YS के अंदर आएगा। XY और YY ये ओवरफ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हैं। अगर आप माउस को बहुत तेज़ी से चेंज करेंगे, लेफ़्ट या राइट बहुत तेज़ी से मूव करेंगे तो एक्स वाई या वाई वाई ये ओवरफ्लो बिट्स 1 हो जाएंगे। अब ये फर्स्ट पैकेट था PS2 के जो उसकी इंफॉर्मेशन थी।
सेकंड पैकेट होगा या उसके अंदर जो ये जो एक्चुअल डाटा बिट्स होंगी उनमें माउस ने एक्स एक्सिस में कितना मूव किया वो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, और वाई एक्सिस में कितना मूव किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। ओके, अब मैं ज़रा इसको थोड़ा एक्स डायरेक्शन बाइट और वाई डायरेक्शन बाइट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। फ़र्ज़ करें आप किसी टाइम पर माउस को रीड कर रहे हैं और एक्स डायरेक्शन बाइट के अंदर आपको डाटा मिल जाता है 12, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो वैल्यू आ रही है वो 12 है। और उस टाइम पर एक्स एस जो है बिट वो 0 है, और एक्स डायरेक्शन या वाले बाइट के अंदर आपके पास 12 वैल्यू आ रही है, एक्स डायरेक्शन और एक वैल्यू 12 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक्स डी के अंदर 12 वैल्यू और एक्स एस 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि एज़ कंपेयर टू लास्ट पोजीशन ऑफ माउस, जो माउस है वो 12 यूनिट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर गया है। और ये पोजीशन रिलेटिव है कि जो भी माउस की पहली पोजीशन थी इससे पहले, अगर एक्स डी अभी 12 है तो इसका मतलब है इसकी एज़ कंपेयर टू लास्ट पोजीशन ये 12 यूनिट्स मूव कर गया है टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कितना चेंज आता है माउस को मूव करने से, तो ये बेसिकली 4 काउंट वैल्यूज़ चेंज होती हैं पर मिलीमीटर। अगर आप माउस को 1 मिलीमीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो एक यहाँ पे वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर अगर आप माउस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 1 मिलीमीटर मूव करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो एक्स डी की वैल्यू है 4 होगी। तो 1 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इट मीन्स कि अगर आप थोड़ा सा भी माउस को मूव करेंगे राइट एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो काउंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएट या तेज़ी से चेंज होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वो मिलीमीटर के अंदर वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बनेगा। तो इसी तरह अगर आप फर्ज करें किसी टाइम पर एक्स डी की वैल्यू आती है -5, तो इसका मतलब ये होगा एज़ कंपेयर टू द माउस लास्ट पोजीशन, जो माउस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में 5 यूनिट मूव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माउस इस -5 आने से पहले माउस अगर यहाँ पे था तो अब इस -5 का मतलब है इस लास्ट पोजीशन से वो इस तरफ 5 यूनिट्स मूव किया है। आप इसको मिलीमीटर में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो -5 है ये इस तरह नहीं होगा कि आप एक्स डायरेक्शन वाले इस रजिस्टर को रीड करेंगे तो उसमें -5 पड़ा होगा, तो वहाँ पर जब आप उसको रीड करेंगे तो इस -5 का 2's कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे सेव होगी। ठीक है, और ये बेसिकली एक्स डायरेक्शन में ये 8 बिट ये हैं और एक्स एक्स 1 बिट ये है, तो टोटल एक्स एक्सिस के अलोंग माउस की डायरेक्शन या उसके मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 9 बिट्स हैं, ये 8 बिट्स हैं और ये एक्स एस साइन के लिए है। और ये जो नेगेटिव वैल्यू होगी, जब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे सेव आएगी तो उस टाइम पे एक्स एस 1 होगा। अगर आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके वैल्यू फाइंड करें तो आप देखेंगे एक्स एस 1 हो जाएगा, और सेम लॉजिक है वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस में की मूवमेंट 8 बिट यहाँ से शो होगी और उसकी डायरेक्शन, उसके जो इस मूवमेंट का साइन है वो यहाँ पे होगा वाई एस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेजोल्यूशन बहुत हाई है, 4 काउंट पर मिलीमीटर, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में अगर आप 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस माउस को मूव करते हैं
तो फोर काउंट वैल्यूज चेंज होगी, इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। और ये माउस की रिलेटिव पोजीशन है कि अगर आप माउस को मूव करते रहेंगे तो फर्ज करें आप अगर माउस को इस तरफ मूव कर रहे हैं तो वैल्यूज़ ज़ीरो से लेकर 255 तक आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी और इसके बाद दोबारा ज़ीरो पे आ जाएगा। और फिर जब अगर आप इसी तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर दोबारा ज़ीरो से लेकर 255 तक मूव करती रहेंगी। और जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरफ मूव करेंगे तो फिर वो नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, उसमें यहाँ पे एक्सेस साइन ज़ीरो रहेगा। जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में वैल्यूज़ सेव होंगी एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो माउस का कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है उसमें बेसिकली थ्री पैकेट्स ऑफ PS2 कम्युनिकेशन आते हैं। फर्स्ट पैकेट के अंदर जो माउस का स्टेटस होता है वो शो होता है, लेफ्ट राइट क्लिक साइन वैल्यूज़। सेकंड पैकेट के अंदर जो एक्स एक्सिस में आपने डिस्टेंस कवर की है और उसकी वैल्यू आती है, और थर्ड में वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर किया है उसकी वैल्यू आती है। तो ये बेसिकली अगर मैं इसी सारे को, अब ये टोटल 33 बिट्स हैं, तो फर्स्ट पैकेट के अंदर भी हमारे लिए 8 बिट्स यूज़फुल हैं, नेक्स्ट पैकेट में भी 8 बिट यूज़फुल हैं, और नेक्स्ट पैकेट में भी 8 बिट्स यूज़फुल हैं। बाकी स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और पैरिटी बिट उसको वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो हमारे लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है 8 बिट यहाँ से आएंगे, 8 बिट यहाँ से और 8 बिट यहाँ से। तो हमारे लिए इस 33 बिट्स के अंदर टोटल जो यूज़फुल डाटा है वो 24 बिट्स का है, और इसी को टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो किया हुआ है कि फर्स्ट बाइट में लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक मिडिल क्लिक आगे ये साइन और ये ओवरफ्लो, सेकंड बाइट के अंदर X0 से लेकर X7 तक, और थर्ड बाइट में Y0 से लेकर Y7 तक का डाटा हमारे लिए यूज़फुल है। अब अगर हमने माउस से डाटा लेना है तो हमें पता है कि माउस तीन पैकेट्स इस तरह के सेंड करेगा, फर्स्ट पैकेट PS2, सेकंड पैकेट ऑफ PS2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड थर्ड पैकेट ऑफ PS2। तो हमने इन तीनों पैकेट्स में से ये स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और पैरिटी बिट को इग्नोर करना है और बाकी हमारा रिक्वायर्ड डाटा होगा। तो ये हमने बेसिकली अब माउस की कम्युनिकेशन करवाने के लिए थ्री पैकेट्स को रिसीव करना, उसका सर्किट डिज़ाइन करना है, और उन थ्री पैकेट्स को रिसीव करके जो 8 बिट्स हैं रिक्वायर्ड डाटा की वो हर पैकेट में से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये हमारा माउस का जनरल सिस्टम बनेगा। माउस है USB केबल के थ्रू FPGA बोर्ड के साथ इंटरफेस करेंगे। अब ये ओवरऑल इसकी ब्लॉक डायग्राम है कि यहाँ पे PS2 क्लॉक आएगा, माउस का PS2 डाटा आएगा। अब यहाँ पर ये माउस का स्टेटस 8 बिट का, एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस, और ये एक फ्लैग मैंने आउटपुट दिया है कि जब ये तीनों वैल्यूज़ रिसीव हो जाएंगी तो फ्लैग 1 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आपने इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए टेस्ट माउस कंट्रोलर, तो आप 7 सेगमेंट पे इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो बेसिकली जस्ट 7 सेगमेंट वाला ब्लॉक हम इसके आउटपुट पे लगाएंगे तो हमारा ये वाला सिस्टम बन जाएगा। ओके, तो अब हमारा मेन काम यह है कि माउस कंट्रोलर डिज़ाइन करना, और माउस कंट्रोलर के ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है। PS2 रिसीवर सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे जो कि हमने ट्यूटोरियल 7C के अंदर डिज़ाइन किया था। ये देखें, ये ट्यूटोरियल 7C है और इसके अंदर हम ये PS2 रिसीवर डिज़ाइन कर चुके हैं। अब ये जो PS2 रिसीवर है ये जस्ट 11 बिट्स के डाटा को रिसीव करता है। बस हमने इससे इस PS2 रिसीवर से तीन दफ़ा अगर हम इसको यूज़ करेंगे, तीन दफ़ा इसे डाटा लेंगे तो हमारे पास 3 पैकेट्स रिसीव हो जाएंगे। और हर दफ़ा जब ये PS2 रिसीवर डाटा 11 बिट्स का रिसीव कर लेगा तो इसका फ्लैग सिग्नल हाई हो जाएगा। तो हमारी लॉजिक क्या होगी कि हम PS2 रिसीवर को यूज़ करेंगे और एक काउंटर बना देंगे, और काउंटर की वैल्यू जब भी फ्लैग हाई होगा काउंटर अपनी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। काउंटर अगर 0, 1, 2 या 3 वैल्यूज़ को काउंट कर लेता है तो इट मीन्स कि उसके पास 3 पैकेट्स ऑफ PS2 रिसीवर के वो रिसीव हो गए हैं, या 33 बिट्स रिसीव हो गई हैं। तो ये देखें, ये PS2 रिसीवर सेम ये वाला सर्किट है जो ट्यूटोरियल 7C में डिज़ाइन किया था। और
अब इस सर्किट की जो आउटपुट है स्कैन कोड, वो हमें काउंटर सर्किट को दे देंगे, और काउंटर की जो क्लॉक है वो इस फ्लैग के साथ कनेक्टेड होगी। तो अब जो जब पहली दफ़ा फ्लैग हाई होगा, फर्स्ट टाइम फ्लैग हाई होगा, तो स्कैन कोड में यहाँ पे जो PS2 रिसीवर जो 8 बिट का डाटा रिसीव कर चुका होगा, वो हम माउस स्टेटस के अंदर सेव कर देंगे। जब दूसरी दफ़ा फ्लैग हाई होगा तो यहाँ पे जो डाटा आ रहा होगा हम एक्स डिस्टेंस इस आउटपुट में सेव कर देंगे। जब तीसरी दफ़ा फ्लैग हाई होगा तो यहाँ पे जो भी डाटा आ रहा होगा एक्स स्कैन कोड में PS2 रिसीवर के आउटपुट पे, वो हम वाई डिस्टेंस के अंदर सेव कर देंगे। जब ये तीनों हमारे पास डाटा रिसीव हो जाएंगे बाइट्स, तो हम माउस फ्लैग को हाई कर देंगे, और यही काम हम रिपीटेडली करते रहेंगे। तो ये अब ओवरऑल सिस्टम है, जो टेस्टिंग वाला सिस्टम है। ओके, क्योंकि हमने अब टेस्टिंग वाले सिस्टम के अंदर ये था कि हमने लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रोल व्हील के बटन को यूज़ करते हुए काउंटर को इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या वैल्यू को सेट करवाना है। तो उसके लिए ये हमने यहाँ पे बेसिकली काउंटर लगाया है। ये मेरा माउस कंट्रोलर है, जो ये है, ये दोनों ब्लॉक्स मिलाकर इसको हम ये माउस कंट्रोलर कह रहे हैं। अब इसमें एक्स डिस्टेंस भी आ रहा है, वाई डिस्टेंस भी आउटपुट है माउस फ्लैग। अब इस हमारा जो सर्किट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें ये तीनों आउटपुट्स इस माउस कंट्रोलर के यूज़ नहीं हो रहे। हम क्या कर रहे हैं, माउस स्टेटस है, इस माउस स्टेटस की जो 0 बिट है वो लेफ्ट क्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है। इस माउस स्टेटस जो आउटपुट होगी इस माउस कंट्रोलर की, उसकी फर्स्ट बिट या बिट एट इंडेक्स 1 वो राइट क्लिक को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और जो सेकंड इंडेक्स पे इस मिडिल क्लिक को रिप्रेजेंट कर रही होगी। आगे जस्ट हमने एक सिंपल सा काउंटर लगा देना है, अगर लेफ्ट क्लिक का है तो काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाए, अगर ये 1 हो राइट क्लिक की इनपुट तो डिक्रीमेंट हो जाए, अगर ये 1 हो तो कोई ख़ास वैल्यू हम इस पे यहाँ पे सेट कर देंगे। और आगे ये 8 बिट वैल्यू है, ये हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे शो कर देंगे। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, माउस कंट्रोलर सबसे पहले उसको देखते हैं। ये देखेंगे, अब ये हमारा माउस कंट्रोलर का सर्किट है। ये PS2 रिसीवर इसमें इंस्टेंशिएट किया, और इसकी आउटपुट पे जो फ्लैग है उसका नाम दे दिया PS2 फ्लैग, और जो यहाँ पे की कोड आएगा उसको स्कैन कोड कह दिया। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें, ये काउंटर है 0 से लेकर 2 तक। जैसे ही पॉजिटिव है, जब दी फ्लैग आएगा PS2 फ्लैग, यहाँ से PS2 रिसीवर से जैसे ही पॉजिटिव फ्लैग आया, इट मींस कि 8 बिट का डाटा रिसीव हो चुका है स्कैन कोड में। तो हम यहाँ पे काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर काउंटर की वैल्यू, अब बेसिकली 0 से 2 तक काउंटर है, काउंटर की वैल्यू 1 से लेस है तो काउंटर इंक्रीमेंट करेगा, जैसे ही काउंटर 2 को पहुँचेगा तो काउंटर की वैल्यू 0 कर देंगे। तो ये जो कोड है, ये जस्ट काउंटर को, काउंटर वैल्यू हमारे बेसिकली आप कह लेंगे काउंटर रिपीटली 0, 1 और 2, फिर 0, 1 और 2 एंड सो ऑन, इस तरह ही काउंट करता रहेगा। ये जो काउंटर आउटपुट है, जब भी पॉजिटिव आएगा PS2 फ्लैग पे, तो उसका मतलब ये होगा कि 8 बिट का डाटा रिसीव हो चुका है। तो काउंटर अपनी वैल्यू 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, फिर 2 से दोबारा 0 एंड सो ऑन। अब आगे यहाँ पे ये काउंटर की वैल्यू आ रही है, ये इस प्रोसेस के अंदर हमने ऑलवेज ब्लॉक के अंदर हमने काउंटर डिज़ाइन कर लिया, क्योंकि PS2 फ्लैग की पल्सेस को काउंट कर रहा है। अब आगे ये सिंपल सी लॉजिक है, अगर काउंटर की नेक्स्ट ऑलवेज के ब्लॉक के अंदर अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो हमारा फ्लैग 0 है, और माउस स्टेटस रजिस्टर के अंदर हम स्कैन कोड को सेव कर देंगे। अगर काउंटर की वैल्यू 1 है तो एक्स डिस्टेंस के अंदर हम स्कैन कोड दे देंगे, अगर और अभी भी फ्लैग 0 है। अगर काउंटर की वैल्यू 2 आती है तो फ्लैग को 1 कर देंगे, और स्कैन कोड अब हम YD या वाई डिस्टेंस में अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे ये अब इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं MS, XD और YD। MS को साइन कर दिया माउस स्टेटस में, XD को साइन कर दिया एक्स डिस्टेंस में, YD को साइन कर दिया वाई डिस्टेंस में, और F को साइन कर दिया माउस फ्लैग में।
ओके, ये हमारा सर्किट था माउस कंट्रोलर का, ये वाला बेसिकली हमने सर्किट डिज़ाइन किया, ये वाला। आप पीएस टू रिसीवर पहले से डिज़ाइन शुदा था, जस्ट काउंटर 0 से 2 इसमें ऐड किए और हमारा ये वाप सर्किट बन गया माउस कंट्रोलर वाला। अब हम टॉप लेवल मॉड्यूल, इसमें ये माउस कंट्रोलर, ये 8 बिट का काउंटर और ये 7 सेगमेंट, ये टेस्टिंग वाला है, ये वाला। तो ये भी सिंपल है, टॉप लेवल इनपुट्स आ गई। ये देखिए, अभी माउस कंट्रोलर का सर्किट आ गया। अब इसके आउटपुट पे माउस स्टेटस है, एक्स डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है, माउस फ्लैग है। और माउस स्टेटस की 0th बिट वो हमारे लिए लेफ्ट क्लिक है, इसकी 1st बिट वो राइट क्लिक है, और इसकी 2nd बिट वो हमारे लिए मिडल क्लिक है। तो यहाँ पे हमने अपने क्लिक की इंफॉर्मेशन यूज़ कर ली। आगे जैसे ये काउंटर, कंट्रोल काउंटर बेस्ड ऑन माउस बटन क्लिक्स। इफ़ लेफ्ट क्लिक इज़ हाई, यहाँ पे अगर यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं और सिंपल ऐसे भी लिख दें तो एक ही बात है। इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट क्लिक हाई है या 1 है तो काउंटर में 1 से इंक्रीमेंट कर दें, अगर राइट क्लिक हाई है तो डिक्रीमेंट कर दें, अगर मिडल क्लिक हाई है तो मैंने यहाँ पे वैल्यू यूज़ किया 99। अगर जैसे ही मिडल बटन काउंटर माउस के ऊपर प्रेस करेंगे, रोल वाला बटन या व्हील वाला, तो काउंटर 99 पर सेट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी बटन 1 पे नहीं होता तो काउंटर इज़ इक्वल टू काउंटर, काउंटर अपनी प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन करेगा। उसके बाद इस काउंटर को जस्ट हमने वो इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे शो कर दिया। अब इसमें क्योंकि डिस्प्ले में ये 8 बिट का काउंटर है, 1st 2 7 सेगमेंट्स यूज़ होंगे, बाकी सब पे मैंने 0 सेंड किया है और यहाँ से बेसिकली उन सबको ऑफ कर दिया। ओनली सेगमेंट 0 और सेगमेंट 1 पे डाटा आएगा। तो ये हमारा काउंटर को टेस्ट, माउस को टेस्ट करने का वही लॉक कोड है, और इसके टेस्टिंग के ये वही कोड है। ये XDC फाइल है। अब ये देखें, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं इस माउस को प्रेस करने से, ये काउंटर यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीमेंट करेगा, राइट क्लिक करेंगे तो डिक्रीमेंट, और ये रोल, इसको स्क्रॉल, व्हील को प्रेस करेंगे तो ये 99 पे सेट हो जाएगा। और इसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। ओके जी, तो अभी हमने ट्यूटोरियल 7 के अंदर कीबोर्ड के इंटरफेसिंग को सीखा, और ट्यूटोरियल 8 के अंदर हमने ये देखा कि हम किस तरह माउस को FPGA बोर्ड के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।